क्या नाम है आपका? हरिओम गुप्ता। किस वार्ड से आप पार्षद हैं? वार्ड मामला क्या है? वार्ड नंबर 27 से। क्या नाम है? हरिओम कुमार गुप्ता। समस्या ये है सर कि ये लेडीज गरीब हैं, ये मेरे ऑफिस पर आई और 10 साल से ये परेशान है। 10 साल से वहाँ जाती थी, इनके साथ वो बदतमीजी करते थे, मारने की धमकी देते थे। मैं कल गया, कल मैंने हाथ जोड़ के पूरे क्षेत्र में इनके साथ गया, कल भी उन्होंने अब दबदबा मेरे साथ की और आज भी की। आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ था कि मैं माताजी को लेके गया था, वो ये बोला किसी के बाप में ताकत हो तो यहाँ पर वो बाउंड्री दिखा के लाओ। हमने कि हाथ जोड़ के बैठ गए, माँ बैठी हैं, कागज भी हमारे साथ हैं, और हमने कि जो हमारी माता जी है, हाँ मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ इतना जो हुआ कि मेरा बहुत बुरा ईंट लगा मारा और हाथ में लाकर चैलेंज कि वो एक केस और सही मुझ पर, तो साहब मैं डर के मारा। किसने मारा? मतलब एक ही है ललतेश, ऑपरेटर अपने घर के पास ही है, वो वही ऑपरेटर ही करता है। दो अन्य और थे। क्या मामला है आज इनके साथ, क्या हादसा हुआ? ऐसा है, एक हमारे मोहल्ला मालवी नगर की महिला है जो कि विडो है और उनका नाम सुखदेवी है, उनके पति का नाम स्वर्गीय मुन्नीलाल है। उनकी जमीन पुश्तैनी काफ़ी समय पहले से पड़ी हुई है मालवी नगर में, तो मालवी नगर में जो जमीन पड़ी है उस जमीन पर ये माताजी जो है चाहती हैं कि हमारा वहाँ एक दीवार लग जाए जिससे वो हमारे कब्जे में आ जाए। भाई जिसकी जमीन है वो कब्जे में लेगा। ये महिला जब जब जमीन पर अपनी बाउंड्री लगाने के लिए या नींव लगाने के लिए 10-5 वर्षों से गई हैं, तो इनका कहना है कि एक मालवी नगर में ट्यूबवेल ऑपरेटर है ललतेश सनब चंद्रशेखर, उसके द्वारा माताजी को बराबर जान से मारने की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां और नींव लगाने का प्रयास जब भी किया है तब तब इनको विफल कर दिया गया है, इनकी नींव नहीं लग पाई है। इन्होंने कुछ समय पहले हमारे क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को भी इस संबंधित शिकायत पत्र भी दिया था, और शिकायत पत्र देने के बाद में फिर देखा कि कोई रास्ते से काम निकल जाए लेकिन नहीं निकल पाया, तो इन्होंने पार्षद जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद है हरिओम गुप्ता जी, इस शिकायत के संबंध में ये माताजी उनसे मिली। हमारे क्षेत्रीय पार्षद के लिए पूरे वार्ड की जनता एक समान है, इस सोच को लेकर वो वहाँ क्षेत्र में गए और उन्होंने समस्त वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनको आपस में बुलाकर बात कराकर इस मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन कल का यह प्रयास इनका विफल रहा। आज फिर उपरोक्त ललतेश ने माताजी के साथ बदतमीजी की, तो दोबारा पुनः इन्होंने पार्षद जी को बुलाया, पार्षद जी वहाँ गए और साथ में ये हमारे साथ खड़े हुए हैं व्यापारी नेता मनोज कुमार जी भी, ये भी पार्षद जी के साथ गए। पहुँचते ही बात शुरू नहीं हो पाई, उससे पहले जो ललतेश ट्यूबवेल ऑपरेटर है उसने हमारे पार्षद जी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। वहाँ चलते हुए राहगीरों ने और वहाँ क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे उन लोगों ने पार्षद जी को बचाया। उपरोक्त ललतेश जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुखदेवी है। तुम्हारी जगह कहाँ है? मेरी जगह में ट्यूबवेल लगा है। अच्छा। लेन के मंदिर बनाए है। मेरा मंदिर है, मेरे सास ससुर ने बनवाया, उन्होंने कहा है कि मेरा है मंदिर। मैं उसे करती रही, मैं जब जाऊं तब मुझे झकने नहीं देता है, मुझे बहुत बुरी गालियां देता है, मुझे मार वे चढ़ बैठक वे मान तो ना बे मतलब की। कौन कर रहा है आपकी जगह पे? मेरी जगह पर ललतेश और शेखर। आज क्या बात हुई है? आज तो इतनी बात हुई कि मैं गई तो तौन सीधे ही वो ललतेश गाली देने लगा और हरिओम को मारने के लिए चिपट गया कि तू, हाँ पार्षद को कि तू इसकी शिकायत में आता है। पुलिस आई यहाँ पे आज? हाँ पुलिस आई। क्या अच्छा किया? पुलिस ने काम अच्छा किया तो मुझसे पार्षद जी के साथ में उस जगह पे गया तो मैंने उसको समझाया कि तुम्हारी जगह कोई जगह यहाँ है तो आप बोलो। वो इतनी बात पे इतना आक्रोशित हो गया, इतना तेज बोला कि मुझ पर इतने मुकदमे, एक मुकदमा और सही, और आवेशित होते हुए पार्षद जी के साथ हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे भी मेरे साथ ही बदतमीजी कर दी, धक्का मुक्का कर दिया। तब मैंने पुनः SHO को फ़ोन किया,
SSO अवगत करवाया, SSO ने कार्रवाई करने का वादा किया है और हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह ट्यूबवेल ऑपरेटरों के द्वारा आज पुनः दूसरी घटना, दूसरे दिन क्या प्रशासन है? इसका मतलब ट्यूबवेल ऑपरेटर में गुंडे बदमाशों की भर्ती है। हम इसका विरोध करेंगे और व्यापार मंडल इसका भरपूर विरोध करेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कप्तान साहब महोदय से निवेदन करूँगा, कल उनसे मिलकर कहूँगा इस तरह की घटना ना हो।